हेलो एंड वेलकम गाइस, हे जब मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, रूट वर्ड का ये पार्ट 4 है। 3 पार्ट तक आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया। जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा और इस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको पता होगा कि रूट वर्ड मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर आप रूट वर्ड ही पढ़ाइए, ताकि उससे क्या होता है कि आपका वन वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, वोकेबलरी इंप्रूव होती है, सिनोनियम एंटोनियम हर जगह आपको यहाँ पे काम आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ट्रिक मिल जाता है कि वर्ड का आप पता कैसे कर सकते हैं, कि कौन सा वर्ड है ये, इसका अर्थ आपको कैसे याद रह सकता है आसानी से। ये रूट वर्ड के अलावा आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था आप सभी लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पे 30 तक हमने रूट वर्ड कर लिए थे। कोशिश करूंगा कि जितने भी रूट वर्ड हो मेरे पास, मैं सभी आपको करवा दूं, ताकि आप अच्छे से वोकैबुलरी तैयार कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट आपके यहाँ पे 31 से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास में है रूट वर्ड है फ्रैक्ट, या फ्रैग भी आपसे बोल सकते हैं, जिसका मतलब हम जनरल में बोलते हैं ब्रेक, यानी कि तोड़ना या टुकड़ा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड रूट वर्ड यहाँ पे कैसे वर्ड बनेंगे, देखिए। फ्रैक्चर आपने सुना होगा, जैसे आपकी हड्डी टूट जाती है तो बोलते हैं कि फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्ट आपका जो वर्ड है ये क्या है, तोड़ने से रिलेटेड है, यानी कि ब्रेक, टूटा हुआ, फ्रैक्चर है। कैसा है, फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रह गया होगा। अभी अगर आपको फ्रैक्ट वर्ड याद नहीं रहता है तो फ्रैक्चर याद रख जाएगा, क्योंकि फ्रैक्चर एक कॉमन सा वर्ड है तो याद रह जाता है। तो फ्रैक्ट आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, फ्रैग यानी टुकड़ा, फ्रैक्ट यानी टूटा हुआ। ठीक है, उसके बाद है आपके पास में फ्रैगिल, ठीक है, इजिली ब्रोकन, भंगुर। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भंगुर होती हैं, उनके उन पर चोट करने पर क्या हो जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, उसे बोलते हैं भंगुर या फ्रैंगिल। ठीक है, तो फ्रैग आपका क्या हो जाता है, टूटने से रिलेटेड होगा, इतना तो आपको पता चल जाता है। उसके बाद है फ्रैगमेंट, स्मॉल ब्रोकन पाइप पीस, ठीक है, छोटा टुकड़ा। ठीक है, यानी कि फ्रैगमेंट, फ्रैग यानी टुकड़ा, मेंट यानी आपके पास में टूटा हुआ, ठीक है, सॉरी, फ्रैग यानी टूटा हुआ, मेंट यानी टुकड़ा। तो छोटा टुकड़ा को क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंट, स्मॉल ब्रोकन पीस। ठीक है, उसके बाद है इनफ्रैक्शन, इनफ्रैक्शन यानी कि फेलियर टू बी ओबे ए लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कानून का पालन करने वाले में असफल रहे, उसे बोलते हैं इनफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्ट मतलब तोड़ना, यानी कि जो कानून को तोड़ता है वो क्या हो जाएगा, कानून का पालन नहीं करने वाला हो जाएगा, तो इनफ्रैक्शन उसे बोल देते हैं। इन्फेक्शन नहीं है, इनफ्रैक्शन है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास में रूट वर्ड है मेल, मेल या बैड, बैड यानी कि बुरा। ठीक है, तो मेल का बुरे से रिलेटेड है यहाँ पे आपके पास में। उसके बाद देखिए मेलवोलेंट, मेलवोलेंट क्या होता है, हार्मफुल, हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये मेल आपके पास में है बैड से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा तो अपने दिमाग से लगाएंगे तो इसका अर्थ आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद है आपके पास में मेल्ट्यूरेशन, मेल न्यूरेशन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लेक ऑफ हेल्दी फूड इन डाइट, यानी कि कुपोषण, लीक ऑफ हेल्दी फूड इन डाइट, डाइट यानी कि कुपोषण क्या होगा, जिसमें हेल्दी फूड अवेलेबल नहीं हो तो उसे हम बोलेंगे कुपोषण, यानी कि मेल न्यूट्रेशन। ठीक है, मेल न्यूट्रेशन यानी कि जो बुरा होगा आपके लिए, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण आपके लिए बुरा ही साबित होने वाला है। उसके बाद है मेलिजेंट, ठीक है, उसके बाद फुल ऑफ इविल, बुरा या दृष्ट, ठीक है, फुल ऑफ इविल, मेलिजेंट। उसके बाद आपके पास में हो जाएगा मेलेडी, इलनेस या डिजीज, मेलेडी यानी कि बीमारी। ठीक है, तो मेल आपके पास बुरा हो गया। उसके बाद है आपके पास में मेलिंजर, टू प्रटेंड, टू प्रिटेंट इलनेस एस्केपली टू अवॉइड वर्क, इनकी काम चोर, इनकी जो काम करना नहीं चाहता वो क्या हो जाएगा, मेलिंजर। ठीक है, उसके बाद है आपके पास में मेल डी सेक्शन, मेल डी सन इनकी क्रश, अभिशाप, मेल डी सेक्शन, क्रश, अभिशाप, इनकी अभिशाप भी क्या होता है, बुरा होता है आपके लिए। तो मेल आपके पास जहाँ पे भी जुड़ जाएगा तो वो वर्ड आपका बुरा यानी कि नेगेटिव इफेक्ट ही आपको दिखाने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आपके पास है क्रीड, जिसका मतलब होता है बिलीव यानी कि विश्वास या भरोसा। ठीक है, तो क्रीड से रिलेटेड यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है। तो सबसे पहला वर्ड है क्रीडेबल, क्रीडेबल मतलब विश्वसनीय योग्य, बिलीवेबल तो ये हो जाएगा विश्वसनीय। ठीक है, उसके बाद है आपके पास में इनक्रेडुलियस, इनक्रेडुलियस मतलब होता है स्क्रिप्चुअल यानी कि अविश्वासी। ठीक है, तो अविश्वासी हो जाएगा, ठीक है, क्रीड आपको यहाँ पे जुड़ गया तो अविश्वासी हो जाएगा। उसके बाद है इनक्रेडिबल यानी कि एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग यानी कि अविश्वसनीय। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्रेडिनियल, क्रीडेंटियल, क्रीडेंटियल मतलब क्या हो जाएगा, ट्रस्ट वर्थनेस,
विश्वसनीय या विश्वास लायक, ट्रस्ट वर्थनेस इनकी विश्वास लायक। उसके बाद है क्रेडुलस, रेडी टू बिलीव यानी कि जूलीबल, भोला भाला, इसे आसानी से क्या किया जा सकता है, किसी भी बात के लिए मनाया जा सकता है। बिलीवल है एकदम, भोला भाला, क्रेडुलस है, तो ये आपके पास में हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है सेंस या सेंट। सेंस आपका किससे रिलेटेड होता है, फीलिंग से यानी कि भावना से या ज्ञान से, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं, सेंसिबल। ठीक है, तो रिजोनेबल, रिजोनेबल क्या होता है, समझदार होता है, सेंसिबल समझदार, रिजोनेबल। उसके बाद आपके पास में सेंटीमेंट, इमोशन या भावना। सेंटीमेंट क्या होता है, इनके ऐसे नहीं बोलते आप बड़ा सेंटी हो रहा है, तो इसके क्या हो जाएगा, सेंटीमेंट यानी मतलब भावुक हो रहा है। तो उसके बाद हो जाएगा आपके पास में सेंसोरी, तो सेंस आपका ये भावना से रिलेटेड है, ध्यान रखना, सेंसोरी यानी कि रिलेटिंग टू सेंसेशन और सेंस ऑर्गन यानी कि संवेदना संबंधित। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सेंसोरी। उसके बाद सेंसिटिव हो जाएगा, आपके पास सेंसिटिव है तो इसका मतलब हो जाएगा एक्चुअली, एक्चुअली प्रेसेप्टिव, एक्चुअली प्रेसेप्टिव, तो ये आपके पास संवेदनशील हो जाएगा। ओके, उसके बाद है आपके पास में सेंटी, सेंटियंट। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कॉन्शियस यानी कि सचेत, सेंटियंट कॉन्शियस सचेत। उसके बाद है सेंसिटिस्ट, टू मेक सेंसिटिव यानी कि संवेदनाशील बनाना, टू मेक सेंसिटिव संवेदनाशील बनाना, सेंसिसिस्ट। ओके गाइस, तो ये आपको हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, देख लीजिए आप एक बार ढंग से अच्छे से। उसके बाद है आपके पास में नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में बैल, यानी कि वार से रिलेटेड है, लड़ाई से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड, बैल। उसके बाद है बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट का मतलब होता है क्वारलसम यानी कि झगड़ालू, क्वारलसम झगड़ालू, बेलीजेरेंट लड़ाई करेगा तो ये झगड़े वाला होगा, तो बेलीग्रेंट हो गया। उसके बाद है बेलिशियस, डिस्प्यूटेबल यानी कि विवादास्पद। ठीक है, विवादास्पद यानी कि जो विवाद उत्पन्न करता है, बेलिशियस हो गया। उसके बाद है एंटीबेलियम, ठीक है, प्रेसेडिंग ए वार, युद्ध से पहले का जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एंटीबेलियम। ठीक है, तो ये बैल से रिलेटेड यानी कि वार या लड़ाई से रिलेटेड वर्ड हो गया, इससे रिलेटेड अगर कहीं पे और जुड़ता है तो और भी वर्ड बन सकते हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वर्ड है वॉर, वॉर होता है ईट या खाने से, ये कार्निवोर इनकी फ्लैश एटर, कच्चा मांस खाने वाला क्या हो जाएगा, कार्निवोर। उसके बाद है हर्बीवोर, हर्बीवोर क्या होता है, प्लांट ईटर, पौधे खाने वाला, हर्बीवोर। ठीक है, उसके बाद फ्रेगीवोर इनकी फ्रूट ईटर, फल खाने वाला, फ्रेगी वॉरियर हो जाएगा। उसके बाद ओमनी वॉरियर, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ओमनी यानी कि सभी, ओल ओल के लिए आता है ओमनी, ये भी एक रूट वर्ड है, तो ये सभी के लिए आ गया ओमनी वॉरियर यानी कि वन हु ईट्स एवरीथिंग, सब कुछ खाने वाला ओमनी वॉरियर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्ट्री वॉरियर यानी कि क्या खाता है, सिर्फ नेक्टर ईटर, शहद खाने वाला ही क्या हो जाएगा, नेक्ट्री वॉरियर। उसके बाद इंसेक्टिव वॉरियर यानी कि इंसेक्ट ईटर, इंसेक्ट यानी क्या होता है, कीटाणु, कीटाणु खाने वाला, इंसेक्ट ईटर हो जाएगा। उसके बाद ग्रैमनी वॉरियर यानी कि ग्रास ईटर, घास खाने वाला, ग्रैमिनी वॉरियर, ग्रैमनी वॉरियर। ठीक है, उसके बाद आपके पास में ग्रेनी वॉर, ग्रेन ईटर यानी कि अनाज खाने वाला, ग्रेनी वॉर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ग्रेनी वॉर आपके पास हो जाए तो ये सब आपको कॉमन वर्ड है, ग्रेनी, हर्बी, कैर्नी, ये सब ठीक है आपको पता है, लेकिन वॉर अगर जुड़ जाता है तो खाने से हो जाएगा, जो खाने वाला होगा, ग्रेनी वॉर ये सब हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपके पास में है नेक्स्ट है अल्टर, अल्टर का मतलब होता है अदर या दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है अल्ट्रिज्म, द फिलोसफी प्रेडिक्ट बाई अल्ट्रिस्ट इनकी परोपकारी। ठीक है, परोपकारी को क्या बोलते हैं, अल्ट्रिस्टम, अल्ट्रिज्म। ठीक है, उसके बाद है अल्टरनेट, स्किप वन एंड टेक द अदर, इनकी बारी बारी से बदलना, यानी कि अल्टरनेट क्या हो जाता है, उसके ही जैसा दूसरा। ठीक है, जैसे आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो दूसरा खरीदते हो, एक सेम दो ही प्रोडक्ट आपको दिखाता है तो आप दोनों में से देखते हो कि कौन सा सही है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है। उसके बाद है अल्टरनेटिव, द अदर चॉइस इनकी विकल्प, आपके पास में अल्टरनेटिव उपलब्ध है। जैसे आपके पास में एक 500 रुपये की वस्तु है और एक 550 की है, तो वो उसका क्या होगा, अल्टरनेटिव हो जाएगा, लेकिन आपके पास विकल्प उपलब्ध है कि अगर आप 550 का ना लें तो 500 का ले लें, तो वो क्या होगा, अल्टरनेटिव हो जाएगा। उसके बाद है अल्टरनेट, अल्टरनेशन क्या हो जाता है, चेंज यानी कि बदलाव, अल्टरनेशन चेंज बदलाव। उसके बाद आपके पास में अल्ट्रैक्शन, ये वर्बल डिस्प्यूट, कहासुनी या मौखिक झगड़ा, तो अल्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अल्टरिस्टिक, उसके बाद है इंटरेस्टेड इन द
वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के कल्याण के हित के लिए जो रुचि रखता है, ऑल्ट्रिस्टिक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी का मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों के लिए। एम्बिजुअस यानी कि विच इज ऑफ डबल मीनिंग, दी अर्थी, जिसके दो अर्थ हो, तो एम्बिजुअस हो जाएगा, एम्बिवायलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है एम्बिवायलेंट, यानी कि ए स्टेट हैविंग टू कॉन्फ्लिक्शन इमोशन, उलझन की स्थिति, तो उसे हम एम्बी वायलेंट बोलते हैं। एम्बी दो के लिए आता है, ठीक है। पोली अनेक के लिए आता है, एम्बी दो के लिए आता है। उसके बाद है ए, ए यानी कि विदाउट, अगर किसी भी चीज़ के पहले ए वर्ड लग रहा है तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं जितने हो सकते हैं बता दूंगा। ए से मतलब विदाउट, यानी कि आपके पास में एनीमिया है। आपके पास एनीमिया क्या होता है? ब्लड डिफिशियंसी, यानी कि रक्त की कमी। ब्लड डिफिशियंसी यानी कि रक्त की कमी, उसे क्या बोलेंगे? एमिनिया। एमिनिया जो रोग होता है वो क्या होता है? रक्त की कमी के कारण होता है। उसके बाद है एमोरल, नॉट मोरल, जिसके कोई क्या हो, मोरल ना हो, कोई नैतिकता ना हो उसमें, तो क्या होगा? अनैतिक हो जाएगा। अगर सिर्फ आप इसका ए हटा दीजिए तो मोरल नैतिक हो जाएगा। उसके बाद ई का शरीर नीमिया, तो ये कोई वर्ड नहीं होता। उसके बाद है आपके पास में एनसेटिक। एनसेटिक आपके पास में है काजिंग लॉस ऑफ सेंसेशन, संवेदना बनाने वाला, संवेदनहीन बनाने वाला, ठीक है। तो काजिंग ऑफ लॉस सेंसेशन, इनकी उसका जो शांति है उसको ख़त्म करने वाला, सेंसेटिक हो जाएगा। उसके बाद है एमिनियस, एमनीसिया, इनके लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खो जाने वाला, क्या हो जाएगा आपके पास में? एमिनीसिया, ठीक है। उसके बाद है एक्रोमेटिक, विदाउट कलर, रंगहीन, एक्रोमेटिक। उसके बाद है एनाक्रोसिम, एनाक्रोसिम इनकी मिस्टेक ऑफ टाइम, भूल जाने की बीमारी, ठीक है। तो समय के बाद कुछ भूल जा जाएगा, मिस्टेक ऑफ टाइम। उसके बाद है एनर्जी, एनर्जी लैक ऑफ गवर्नमेंट, अजार अराजकतावाद, अराजकतावाद एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है एपैथी, हैविंग नॉट फीलिंग, उदासीनता, क्योंकि उसमें कोई फीलिंग ना हो, उदासीन, एकदम उदास है, तो एपैथी हो जाएगा। एथिस्ट आपके पास में है वन हु हैज़ नॉट बिलीव इन गॉड, यानी जो भगवान में विश्वास नहीं करता, क्या हो जाएगा? नास्तिक, एथिस्ट हो जाएगा आपके पास। और एक और हाजिए दाइस्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है? आस्तिक हो जाता है। उसके बाद है हाइड्रोस, ए हाइड्रियस, तो विदाउट वाटर। हाइड्रो जो आपका रूट वर्ड है ये वाटर के लिए आता है, एक्वा भी वाटर के लिए आता है, तो ए हाइड्रियस क्या हो जाएगा? विदाउट वाटर, जल रहित, ठीक है। उसके बाद आपके पास में नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है एंट, एंट यानी बिफोर, पहले का। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या होता है? प्रेडेसिंग इवेंट ऑफ और वर्ड, पूर्ववर्ती, ठीक है, प्रेसिडिंग इवेंट और वर्ड, ये आपके पास हो जाएगा पूर्ववर्ती। उसके बाद लास्ट आपका वर्ड है यहाँ पे एंटी ड्यूलियन, एंटी ड्यूलियन यानी कि एंसीडेंट, प्राचीन, एंटी ड्यूलियंट, एंसिएंट, प्राचीन व्यक्ति वस्तु के लिए बात हो रही है, तो ये आपके पास हो जाएगा एंटी ड्यूलियंट, एंसिएंट, प्राचीन आपके पास, ठीक है। तो ये आपके रूट वर्ड हो गए कंप्लीट, 40 तक हमने कंप्लीट कर लिए, 10 रूट वर्ड आज हमने डिस्कस किए। आई होप आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रहे होंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा कुछ ही देर में, जैसे वीडियो अपलोड होता है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू डोंट सब्सक्राइब इट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, सी यू सोन।